ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन और पृथ्वी पर पड़ता है। 12 अप्रैल 2022 को शुक्र का तीन राशियों का गोचर ग्रह होने वाला है। ऐसे में इन राशि वालों की जिंदगी पर क्या परिवर्तन आने वाला है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह गोचर में क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन या पृथ्वी पर पड़ता है। बता दें कि छाया ग्रह केतु 12 अप्रैल 2022 को शुक्र की स्वर राशि तुला में प्रवेश कर जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु कुंडली के जिस भाव में स्थिर होता है उस भाव में स्वामी के अनुरूप ही फल देता है। ज्योतिष में केतु को कर्म प्रधान ग्रह माना गया है और ये एक अच्छा व बुरा दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व कहता है। इसलिए केतु के गोचर का प्रभाव वैसे भी सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन ऐसी राशियां हैं जिसका विशेष फायदा होने वाला है। आइए जानते हैं केतु का गोचर किन तीन राशियों को होने वाला है और इसका लाभ किन किन को मिलेगा। कन्या राशि पर पड़ेगा गोचर ग्रह का असर। कन्या राशि से केतु ग्रह दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिसे धन और वाणी का भाव कहा जाता है। इसलिए इस दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, साथ ही व्यापार में मुनाफा अच्छा रहेगा। जिन लोगों का वाणी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जैसे कि वकील, शिक्षा, मार्केटिंग, मीडिया, उनको यह समय शानदार मिलने वाला है। कन्या राशि के स्वामी व्यापार के दाता बुध देव हैं, इसीलिए इस दौरान व्यापार में जबरदस्त तरक्की के आसार हैं। आपको अपने कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। धनु राशि पर पड़ेगा गोचर ग्रह का असर। धनु राशि की गोचर कुंडली से केतु का राशि परिवर्तन 11 भाव में होगा। इसमें इनकम और लाभ का स्थान कहा जाता है, इसीलिए इस दौरान आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही इनकम के नए नए स्रोत बन सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सफल रहेगा। इसके साथ ही व्यापार में कोई बड़ी डील भी फाइनल हो सकती है। इसका फायदा आपको भविष्य में हो सकता है। अगर आप इस महीने इंक्रीमेंट की उम्मीद कर रहे हैं और काफी लंबे समय से रुका हुआ है, तो इस समय आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है। मकर राशि को कैसे मिलेगा गोचर ग्रह का लाभ? मकर राशि के लिए केतु का गोचर शुभ फलदायी साबित हो सकता है, क्योंकि केतु अपनी राशि से दशम स्थान पर गोचर करेगा, जिसे कर्म और जॉब का भाव कहा जाता है। इसलिए इस समय आपको नई जॉब का प्रस्ताव मिल सकता है। साथ ही अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको प्रमोशन की उम्मीद है, तो प्रमोशन भी होगा। वहीं अगर आपका व्यापार ऑयल, पेट्रोलियम, लोहा आदि से जुड़ा हुआ है, तो आपको धन का अच्छा लाभ हो सकता है। हमारी ये स्टोरी आपके लिए कितनी लाभदायक रही, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम स्टोरीज देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।